गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सरपास ट्रैक। इस वीडियो में हम मिंथाज कैंप साइट से नगारू कैंप साइट जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम मिंथाज कैंप साइट। तो आज हम रेडी हो गए हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने लंच भी पैक कर लिया है। अब बस हमें यहाँ से निकलना है, अभी हमारी ब्रीफिंग होगी। और आज का रास्ता काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये पूरी बहुत स्टीप जगह है। हमें यहाँ से पूरा कवर करके ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा इस तरफ जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का रास्ता ही काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, तो स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कल हम यहीं से नीचे उतर के यहाँ पर आए थे कैंप साइट के लिए, अब हमें दोबारा यहाँ से ऊपर चढ़ना है। और यहाँ से ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है भाई, वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। बाकी अभी सर हमें ब्रीफिंग के लिए बुला रहे हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ, फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ। अभी बोलो, इसके बाद वापस जाने के लिए ऑप्शन नहीं। वी विल हियर टू वी स्टार्ट, देन वी वांट टू क्रॉस एंड यू गाइस वांट टू फॉलो द टाइमिंग। टुडे 2-3 गाइस आर लेट, टुमारो वी वोंट वेट फॉर एनीवन। एवरीवन रेडी, टुडे वी विल गिव टाइम डिनर। तो स्टार्टिंग का ट्रेल काफ़ी स्टीप रहेगा। कल हम इसी ट्रेल से नीचे उतरकर कैंप्स तक पहुंचे थे, आज दोबारा हमें यही ट्रेल क्रॉस करके ऊपर जाना है। आज के सफ़र में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज का सफ़र पूरा स्टीप रहने वाला है, जहां से आप हिमालयस की पीक्स के काफ़ी सुंदर नज़ारे देख पाओगे। सो गाइज, जस्ट रीच हेयर और अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। बाकी सब लोग भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं और अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है उस पीक पर, वहीं पे हमारे कैंप्स हैं। तो अभी हमें बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि आधा रास्ता कवर हो गया, पता भी नहीं चला कब कब में। क्योंकि कल जब हम इस रास्ते को देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे हमने कर ही लिया और बाकी लोग भी पहुँच गए हैं। हमारे ग्रुप में 28 लोग थे, भला कल तो 28 थे, लेकिन आज कल एक बंदा कल कम हो गया था और आज 3-4 बंदे और कम हो गए हैं। तो लगभग अब हम 24 लोग हैं और अब हम सब समिट पे जाएंगे। बाकी अभी हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं और नगारू कैंप साइट बस हम पहुंचने ही वाले हैं आधे टाइम में। तो चलो फिर आगे चलते हैं। सो गाइज, जस्ट रीच एट नगारू कैंप साइट और पूरे दिन मेहनत करके यहाँ पे पहुँचने के बाद जो व्यू हमें देखने को मिला, वो आप देखो एक बार। मतलब क्या नहीं है यहाँ पे, स्नो है, माउंटेन्स है, क्लाउड्स है, और ये साथी हैं जिनकी सोच बिल्कुल मेरे जैसी है। और यहाँ पे आके पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यार। और अभी अब हम बस अपने कैंप साइट पर जाएंगे, बैग वगैरह रखेंगे, और कल का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कल हमें रात को हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो कल हमें 2-3 बजे सुबह उठना पड़ेगा और हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कैसा रहेगा, बाकी फ़िलहाल का व्यू आप देखो एक बार। वैसे इस जगह की सबसे बेस्ट बात ये थी कि यहाँ पर नेटवर्क आ रहा था और यहाँ पर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो।
सब लोगों ने यहाँ पर अपने अपने घरों में बात करी और यहाँ से आप पूरी पार्वती वैली का व्यू भी देख सकते हो, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अपने कैंप्स पर चल दिए, जो कि यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर थे। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर पहुंचकर जो व्यू ड्रेस्टिक चेंज होते हैं ना, वो आप देखो एक बार। नगारू कैंपसाइट पर तो हम पहुंच गए थे, लेकिन कल का हमारा सफ़र सबसे मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अब हमें नाइट में क्लाइंबिंग करनी थी, जिसके लिए हमें रात को 2 बजे उठना था और 3 बजे से ट्रैक स्टार्ट करना था। तो अब शाम तक बस हमें रेस्ट करना था और कल के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना था, क्योंकि आई थिंक सबका ये ऐसा फर्स्ट ट्रैक होगा जिसके लिए हमें रात में क्लाइंबिंग करनी थी। ऐसा लग रहा मैगी कम खानी चाहिए थी, जल्दी डिनर हो गया ना आज, इसलिए अच्छा पराठा नान और अफगानी चिकन स्टार्टर। क्या बोल दिया, चिकन रारा। लास्ट आप काउंट कर दिया कितना? 22। सेल्फ सर्विस है, अपना चाह रहे थे बस, इतना चाहिए, ले लो। अच्छा खाना खा के रेस्ट करो, ये ढक्कन चावल मत ना ढको। ये रोटी है, ये नान पापड़ी, जल्दी जल्दी ले लो, टेंट में भागो। हेलो, टेंट में नहीं आ पाएंगे। लाओ उधर फूल ना, शाम को हमने जल्दी डिनर कर लिया और इस व्यू के साथ डिनर करना काफी लाजवाब था। और थोड़ी मस्ती करने के बाद हम जल्दी सोने चले गए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे का सफ़र देखने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।